ओम ओम जी जी प्रणाम, बोलिए स्वामी रामदेव बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ मैं बॉम्बई से बोल रहा हूँ जी, बोलिए। हाँ साहब, मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है, पहले आईबीएस था इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अभी सिर्फ कॉन्स्टिपेशन रहता है। अच्छा अच्छा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम उसको बोलते हैं आईबीएस को, तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है कुटजारिष्ट और कुटज घनवटी। कुटजारिष्ट चार चम्मच दवा, चार चम्मच पानी और दो दो गोली कुटज घनवटी की भी ले लें, तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और अनार का प्रयोग कर लें तो उसके लिए तो ये चीज है। बाकी उसमें विदेशों में लोग पुलम्स का प्रयोग करते हैं, हम लोग यहाँ मुनक का अंजीर देते हैं, तो वो भी पेट के लिए बड़ा अच्छा रहता है। साथ में ये जो कॉन्स्टिपेशन है, देखो कॉन्स्टिपेशन की भी तासीर कई तरह की होती है। एक तो ऐसा कॉन्स्टिपेशन होता है कि जो है पेट साफ ही नहीं हो रहा, बहुत भयंकर कॉन्स्टिपेशन, तो त्रिफला चूर्ण ने भी काम नहीं किया, उदरकल्प दिव्य या हरित की चूर्ण ने भी नहीं काम किया, तो मैंने बताया कि ये शुद्धि चूर्ण ये तो सबसे जबरदस्त है। लेकिन किसी किसी को क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ आँव भी बनती है, तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा वो एक तो अनार का प्रयोग करें, एक थोड़े दिन के लिए घी, मीठा, दूध, तीन चीजें बंद कर दें, और अपने आंतों को और लीवर को, पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए कपालभाति करें। आजकल आप टीवी चैनलों पर देखेंगे तो पाचन तंत्र के और इंडाइजेशन के, कॉन्स्टिपेशन के भयंकर अड़ चलते, हजारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री हो गई है। तो प्राकृतिक तरीके से आपका पेट ठीक रहे, रोज पेट साफ करने वाला चूर्ण नहीं खाना पड़े, मैं इसकी सलाह दूंगा। उसके लिए आप सुबह उठकर के आंवला एलोवेरा चार चार चम्मच पी लें गर्म पानी के साथ, खाना चबा चबा करके खाएं, खाने से पहले थोड़ा सलाद और फ्रूट लें, बड़ा अंतर पड़ेगा एकदम से। और फलों में जो पपीता है, सेब है, अंजीर है, मुनक्का है, ये सब आपको लाभ करता ही करता है, तो कॉन्स्टिपेशन परमानेंट ठीक हो जाता है।